بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم ناظرين بروغرام إزالة الشبهات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت और उसकी इनायत से मैं इस वक्त मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैंने ये बताया था कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत नहीं है। उसके बाद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने चंद तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश की थी। जब वो मैं तजावीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था तो बाज़ चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी, नोट्स भी मैंने बनाए हुए थे, वो रह गई थी। तो आज की नशिस्त के अंदर अल्लाह ताला की रहमत से मैं उन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर मैं दुआ करता हूँ कि या रब्बल आलमीन हमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कोताहियों से बचने की, हम जो कोताहियाँ करते हैं हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा एक कार्य खैर है और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से एक ये है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के खसाइस का ज़िक्र, उनकी वलादत का ज़िक्र, उनकी तालीम का ज़िक्र कुरान में बयान फरमाया। तो महफिल मिलाद में हाज़िर होने वाले जो लोग हैं, जो बयान करने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुव्वत बयान नहीं अता फरमाई है, वो इन वाक़यात को जो कुरान करीम में वलादत के हवाले से हैं इनको बयान करें। ख़ास करके जो हमारी बच्चियाँ हैं वो जब महफिल मिलाद करती हैं तो उनके महफिल मिलाद करने का जो तरीका है, एक तो वक़्त बहुत लंबा होता है, उसके अंदर वो कुरान करीम की तलावत और सिपारे पढ़वाना और दुरूद तंजीना और मुख्तलिफ किस्म के अज़कार करते 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 एक बहुत लंबा वक़्त जो है वो गुज़र जाता है। दुरूद तंजीना एक दुआ है, इसी तरह दूसरी भी दुआएँ हैं। तो दुआ तो सही वही होती है जो बंदा ख़ुद अपने लिए करे और फिर उसके बाद जब दूसरे हाजरीन उस दुआ पर आमीन कहते हैं तो वो भी दुआ ही होती है। तो सब मिलकर दुआ करें या दूसरा दूसरे के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है और सालहीन की दुआओं को अल्लाह ताला ज़्यादा शर्फी कबूलियत अता फरमाता है। वो एक अलग मसला है, लेकिन सारा दिन वो पढ़ते रहना ये बात दुरुस्त नहीं है। और नात खानी के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर मैं ये कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम भी मैं इसी के लिए ख़ास करके कर रहा हूँ और बाद दूसरी इस्लाही बातें जो हैं। इस वक्त नात खानी इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है कि अगर कहीं 100 बंदा बैठा हुआ हो तो 100 बंदे में से आप ये कहें कि आप में से हाजिरी कौन लिखवाएगा, आप में से नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन पेश करेगा, तो 100 में से मुमकिन है 20 25 30 बंदे जो हैं वो हाथ खड़ा कर दें और जो यंग जनरेशन है उनमें से अगर 100 हो तो 40-50 कर दें, जो पढ़ सकते हैं लिखी हुई नाते हैं वो कर देंगे हम। लेकिन अगर 100 बंदा बैठा हुआ हो, 100 औरत बैठी हुई हो, तो उनसे यूं कहें कि आप में से कुरान करीम की किसी सूरत की तर्जमा, उसकी तफसीर, कोई इसलाई कुरान और सुन्नत का पैगाम कितने लोग हैं जो वो कन्वे कर सकेंगे, तो वो बहुत ही कम आएंगे। ये मैं ज़रा लफ्ज़ संभाल कर बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम होंगे। अब ये एक मसला, मैं पहले पहले ये सोचता था कि ये इतनी नात खानी आम क्यों है। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, सना खानी करना, वो बायस सवाब है, कुर्ब इलाही का जरिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि नात खानी नहीं होना चाहिए, मेरा जोर इस बात के ऊपर है कि हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है वकज़ालिक जालनाकुम उम्मतम वसता, कि हम उम्मत वस्त हैं और उम्मत वस्त का मतलब है दरमियानी उम्मत जो बैलेंस कायम रखने वाली है। लिहाजा हमें नातें भी पढ़नी चाहिए और इलम भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक ही तरफ को सब ना चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अहले इलम की तादाद देख लें और नात खानों की तादाद देख लें,
तो नात खान भी थे मगर उनकी तादाद कम थी, और जो अहले इलम थे उनकी तादाद बड़ी थी। और ये भी याद रखें कि जो नात खान हुजूर के ज़माने में थे वो भी साहबे अहले इलम थे, उनकी भी बहुत बड़े आलिम होते थे। लेकिन एक ज़ौक होता है कि अच्छी आवाज़ के साथ जब कोई बंदा नात पढ़ता है तो एक कैफियत बन जाती है, और उस कैफियत से अगली बात जो है वो सुनने के लिए बंदा तैयार हो जाता है। तो सहाबा ताबीन तबा ताबीन में देखें कितना इलम था और कितने नात खानी थी, तो वो दोनों करते थे। हमें ज्यादा जोर जो है ना वो एक तरफ ज्यादा लगा दिया, और इल्म की बात सुनना तो शायद इसका कल्चर बहुत ही कम होता जा रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है। और नात खानी इतनी आसान, मैं पहले समझता था ये क्यों है, फिर मुझे किसी एक जानने वाले बंदे ने बताया, उसने कहा जी बात ये है, आपको तो चूंकि इसका पता नहीं है, नात खानी की ट्यून तैयार होती है, आप वो मोबाइल पर किसी को पता नहीं किसको कह रहा था उसको भेज दे, वो सारी ट्यूनें आपको भेज देते हैं, नात खानी लिखी होती है, उसकी ट्यूनें बनी हुई होती हैं, बस 5-10 बार उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप उसके काबिल हो जाते हैं। अब ये देखें तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, मज़ेदार है, लुत्फदार, इसमें कोई शक नहीं, कैफियत भी पैदा होती है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। मैं उन कलामों की बात कर रहा हूँ जो अहले इल्म के कलाम लिखे होते हैं, उसके अंदर होता है। अब जहाँ तक कुरान इसका इल्म का ताल्लुक है, वो इस तरह से नहीं होगा कि आपने 2-4 बार पढ़ा और वो ट्यून तैयार की और आपको को टिक टिक करके वो ट्यून भेज देगा, ये नहीं। उसके अंदर तो कुरान पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक बात को दूसरी बात से मिलाना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, और फिर वक्त लगाने के साथ साथ सबसे बड़ा जो आम मसला है वो अहले इलम को सुनने वाले उनके ऑडियंस बहुत कम होते हैं और नात के सुनने वाले बहुत ऑडियंस होते हैं। लिहाजा एक बंदा एक नात उसको आसानी से भी मिल रही हो, उसको ऑडियंस भी मिल रहे हों, उसकी खिदमत भी हो रही हो और उसको वेलकम भी किया जा रहा हो, और दूसरी तरफ एक बंदा वो हो जिसने कुरान और हदीस की तैयारी की हो, दिन रात उसमें लगा हुआ हो और वो मुहद्दिस हो और रात का एक बज चुका हो, मिलाद की महफल हो और 10 बंदे नाते पढ़ चुके हों और उसको कहा जाए 5 मिनट कह ले और फिर उसके बाद एक और नात कहा जाए, फिर वो 1.5 खाना लगा दे, तो अब किसका दिल चाहेगा कि वो ये करें। मगर ये याद रखें, ना नात खानी दुनिया के लिए होती है, ना कुरान और हदीस का इलम दुनिया के लिए होता है, ये तो रब को राजी करने के लिए होता है। तो इसलिए जब रब को राजी करने के लिए है, अल्लाह मौके फराहम करेगा, अल्लाह ताला की जात आपको मौका देगी। लिहाजा इलम और नात का बैलेंस जो है वो जरूर उसके ऊपर जो है कायम रखें, और रजा इलाही उसके अंदर मकसूद हो, नात हो वो भी उसकी रजा के लिए और तकरीर हो तो वो भी उसकी रजा के लिए। अगर ये कह दिया कि मुझे लोग क्या कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह अलअजीम, तो फिर तो वो तो बदनी, वो तो गलत ख्याल ही गलत आ गया। मेरे शेख हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, वो जुमा पढ़ाते थे शरकपुर शरीफ के अंदर, आज से 100 साल पहले की बात है। तो जब वो जुमा पढ़ाते थे तो जुमा पढ़ाने के बाद फिर वो बैठ जाते और लोग उनके मुरीद जो बाहर से आए होते वो फिर उनका उनकी तकरीर सुनने लगते, फिर वो तकरीर सुनाते और बड़ी सीधी सादी बातें होती हैं उनकी, जिन लोगों ने सुनी है उनसे हमने सुनी है, तो वो सीधी सादी बातें होती। तो एक दिन वो उन्होंने जुमा पढ़ा लिया, जुमे के बाद बैठ गए, वो दूसरा लेक्चर जो था वो भी दे लिया और वो फारिग हो गए, लोग घरों को चले गए असर की नमाज के लिए, मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में ही रहे। एक बंदा आया, वो बड़ी दूर से सफ़र कर रहा, सफ़र करके आया, उसने आकर कहा हजरत मेरे रस्ते में मुझे कुछ तकलीफ़ हो गई, मैं किसी को मिलने लगा, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ, तो मैंने तो आपकी जुमे की तकरीर भी मिस कर दी और जुमा आपके पीछे पढ़ना था वो भी मिस हो गया, और जो बाद में आपने कलिमात सुनाए हैं लोगों को मैं तो उससे भी महरूम हो गया, मैं तो रह गया। आपने फरमाया फिर क्या हुआ, बैठ जा, तो वो बैठ गया। आला हजरत शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जितनी तकरीर की थी ना जुमे में और जुमे के बाद, वो अकेले बंदे को सुना दी। जब उसने सारी सुन ली तो वो रो पड़ा
वो कहने लगा, हजरत मेरे लिए तो आपने बड़ा करम फरमाया है कि आपने मजमे के सामने बयान किया। हर बयान करने वाले का दिल चाहता है कि लोग सामने बैठे हों, मजमा हो, मैं उनको तकरीर सुनाऊं, तो आपने तो मुझे तन्हाई सारी तकरीर सुना दी और मेरे लिए इतना कर दिया। आपने फरमाया जो मैंने पहले बयान किया था वो भी ऑडियंस के लिए नहीं था, जो अब तुझे सुनाया है वो भी तेरे लिए नहीं है, मैंने तो किसी को राजी करने के लिए उनको भी सुनाया था और किसी को राजी करने के लिए तुझे भी सुनाया, तो मैंने तो रब की रजा के लिए किया है। लिहाजा इलम जो है, एक तो उससे समझ आती है, फहम खुलता है, रब राजी होता है, बाकी रह गए ऑडियंस वो अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। ये मैंने बात इसलिए क्लियर की है कि जिनको मैं कहता हूं ना हदीसें याद करें, कुरान याद करें, सीरत याद करें, ये आका का, वो कहते हैं जी कि हमें पूछता कोई नहीं, सुनता कोई नहीं, क्या करें, क्या कौन हमें बताएगा, तो उनके लिए मैं उनको भी बताता हूं। और ये है, और नात खानी जो है वो तो उसके मौके तो हर जगह पर हैं। अब टीवी पर कोई प्रोग्राम होता है तो वो नात होती है। यहां नूर टीवी का एक दिन इत्तेफाक, वो इतना मौका तो नहीं होता वो सारे प्रोग्राम देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नूर टीवी के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, उलमा के प्रोग्राम होते हैं, नात खानी के बड़े शानदार प्रोग्राम होते हैं। एक वो बच्ची थी, उसने नूर टीवी पर एक आलू पकाने कैसे चाहिए, तो आलू पकाने का उसने एक प्रोग्राम किया। इत्तेफाक से मैं घर में था, वो मेरी बीवी मेरी अहलिया उनके प्रोग्राम को देखती हैं, तो वो प्रोग्राम हो रहा था आलू कैसे पकाने चाहिए, तो उस आलू वो बता रही थी चिप्स ऐसे चलें, तेल इतना डालें और वो चीज इतनी डालें, वो इस तरह से करें, वो बता रही थी, बच्चों के लिए प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के अंदर 10-15 मिनट में बैठा हूँ, फिर मैं तो चला गया, तो 10-15 मिनट के अंदर कम अज कम 7-8 कॉलें आ गई, उनको टेलीफोन आ गए, मैंने हाजिरी लगवानी है, मैंने हाजिरी लगवानी है, मैंने नात पढ़नी है। वो बार बार बेचारी चीखती रहे कि ये आलुओं का प्रोग्राम है, आलू कैसे पकाने हैं, आप इसमें हाजिरी ना लगवाएं। तो वो कहने लगी हमने तो नात पढ़नी है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों को इतनी नातें आती हैं और अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की हमद और नात इतनी आती है, इतनी तैयारी की है कि वो हर जगह हाजिरी लगवाने के लिए तैयार हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन मेरी नसीहत की बात यह है कि जहां इतनी नाते आती हो बंदे को, हर जगह वो हाजिरी लगवाने के लिए तैयार हो, वहां उसको कुरान भी आना चाहिए, हदीस भी आनी चाहिए। यह मैं नहीं कहता कि उसको आलिम होना चाहिए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि उसके अपनी जात के लिए बताने के लिए हाजिरी लगवाने के लिए, कभी जोहरी कसूरी साहब के कलाम से हाजिरी लगवाएं, कजी आजम चिश्ती के कलाम से हाजिरी लगवाएं, कभी वो न्याजी साहब के कलाम से हाजिरी लगवाएं, और कभी खुदा के कलाम के जरिए से हाजिरी लगवाएं, कभी मुस्तफा के कलाम के जरिए से हाजिरी लगवाएं। कि एक टॉपिक टीवी पे चल रहा है और आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ जो मालूम आती है, गहराई की मैं बात नहीं कर रहा, आम तो पता होनी चाहिए ना। और ये कल्चर इस तरह से अब डेवलप हो रहा है कि वो इलम की बात जो है वो नहीं सुननी और वो इस तरह से दूरी उसकी होती जा रही है। एक महफिल मिलाद कहीं हो रही थी, उसके बारे में मुझे किसी ने बताया, वो बच्चियों की महफिल मिलाद थी। जब वो बच्चियों की महफिल मिलाद थी तो लोगों ने नात पढ़ी, जितना भी हो सकता था 2-3-4 घंटे वो नाते पढ़ती थी। बाद में एक वो औरत थी तो उसने कुछ, उसको कुरान शरीफ की आयत आती थी, तो वो कहने लगी कि मैं कुछ ये 2-3 आयतें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब वो कोई ये तो नहीं कह सकता था कि आयतें ना पढ़े, तो एक अच्छी पढ़ी लिखी थी उसके अंदर, वो कहने लगी आप बस काफ़ी हो गया है, खामोश रहना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, यानी उसको खामोश रहने का जो अमल है खामोशी का, कि वो इबादत होती है, वो किस मकाम पर याद आया। यानी ये सही है कि खामोश रहना इबादत है, मगर आया किस जगह पर याद, उसको किस जगह पर उसने ये जाकर कहा कि खामोश रहना इबादत है। जब उन्होंने मुझे ये बात सुनाई तो मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ गया कि कोई बंदा था, वो सीन जो है ना वो नहीं उसको अदा नहीं कर सकता था, शीन जो है ना उसको वो नहीं अदा कर सकता, शीन वो जहां शीन का लफ्ज होता वो सीन बोलता। तो वो कहने लगा कल हम सुकूर की शादी में गए, वहां हमने शीशे के गिलास में शक्कर का शरबत पिया। अब वो सुनने वाला कहने लगा वो कहीं तो शीन बोल दिया करो, तो वो जाने लगा, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह अकबर। वही बात हुई कि खामोश रहना इबादत है, किस जगह, जहां जिक्र कुरान की बात होने लगी, जिक्र मुस्तफ़ा की बात होने लगी। नात भी जिक्र खुदा होता है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है, मगर खालिक और मखलूक के कलाम दोनों के पढ़ने की आदत डालें, दोनों को पढ़ा जाए। क्यों, जो दूसरे मुखालिफ लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, एक तो ये बात भी बैलेंस रखना जरूरी है, बैलेंस ना रखना, बैलेंस ना रखना वैसे ही गलत है, लेकिन जो वो दूसरे दो होते हैं, क्या उसका नाम लेते हैं, मुखालिफीन मिलाद, वो इन चीज़ों को बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं सारा दिन बैठे रहे, खा के आ गया, कुछ भी नहीं खा के आ गया, कुछ भी नहीं, उन्होंने वो लतीफ़े बनाए हुए हैं अपने तौर पर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसलिए ये बातें जो हैं इनका करना भी ज़रूरी था। अब मैंने अपने इतबार से ये बातें कर दी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है, एक मुझ जैसा बंदा बात करे तो वो बात और है, और एक कोई आलिम बात करे तो वो बात और होती है। तो मैंने एक आलिम की भी इस पर आपको एक बात सुनानी है। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। जो मुफ्ती होता है ना, तो मुफ्ती जब बात करता है तो वो एक फतवे की बात बन जाती है कि ये तो जी उसने फतवा दे दिया और उन्होंने इस्लाह की। तो अहले इल्म की बात का मुकाम और होता है और उसके अंदर बरकत भी होती है। हमारे एक फाजिल दोस्त पाकिस्तान के बहुत बड़े अल्लामा मुहक्किक आलम हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ा काम कर रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी दामत बरकात मौलालिया, मैंने उनकी किताबों का भी कई बार जिक्र किया है। वो तफसीर कबीर का इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर का तर्जमा फरमा रहे हैं। तकरीबन पिछले दिनों में वो बता रहे हैं कि 25 पारे हो गए हैं और कुछ बाकी रहती है। तो ये भी इंशाअल्लाह दुनिया के सामने एक बड़ी खूबसूरत नई चीज़ उर्दू दानों के लिए आएगी कि इमाम फ़खरुद्दीन राजी की तफसीर, और फ़खरे राजी पर उन्होंने जो काम किया है उनकी तफसीर का, ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। तो वो मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है महाफले मिलाद को कैसे मुअस्सर बनाया जाए। तो ये इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब, और इसको तरतीब दिया है अल्लामा मोहम्मद खलील रहमान कादरी, कोई बुज़ुर्ग हैं, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, और इसको सिपवाया है हमारे फाजल दोस्त अल्लामा उमर याद कादरी साहब ने, हडर्सफील्ड से बड़ी तादाद में इसको तकसीम किया है। तो ये एक पूरी किताब है, इसका नाम महाफिल मिलाद को मुअस्सर कैसे बनाया जाए। चूँकि महफिल मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में होती है, और मुंतजमीन में बसा औकात अहले इल्म, बसा औकात नहीं बल्कि मैं खुल के कहता हूँ, अक्सर औकात अहले इल्म का अमल दखल नहीं होता, तो वो उनके ज़ौक उसके अंदर आ जाते हैं। जब वो ज़ौक आते हैं तो कभी कभी फिर वो कई चीज़ें नापसंदीदा, यानी हराम नहीं होती, नापसंदीदा और गैर बैलेंस अनबैलेंस चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो अनबैलेंस जो होती है ना, औसत का वो दर्जा नहीं रहता, तो उसके अंदर वो इस्लाह की ज़रूरत रहती है। तो ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला, मुफ्ती साहब दामद बारकातुहुम अलालिया ने, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उन्होंने ये एक किताब लिखी। तो उसके मैं बाज़ मकामात आपको पढ़कर बताता हूँ ताकि एक मुफ्ती का फतवा जो है वो सामने आ जाए। अल्लामा उमर याद कादरी साहब ने हडर्सफील्ड से इस किताब को छुपवा कर बड़ी तादाद में तकसीम किया है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अहले इल्म इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं और करते हैं कि इल्म का और नात के कल्चर के अंदर बैलेंस होना चाहिए, और इस मामले में और खाने के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। केक इतने बड़े बड़े काटना जो हैं उनको हम गुनाह हराम तो नहीं कहते, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर कभी किसी ने को काट लिया तो ठीक है, तो फिर वो कमर्शियल बन जाएगा। इस ज़िले वाले कहेंगे, उस ज़िले वाले कहेंगे, उस ज़िले वाले कहेंगे, तो एक तो वो कंपिटिशन उसकी आ जाएगी। तो अब इसके अंदर इशाती इस्लाम का क्या पहलू रहा, अल्लाह ताला की मोहब्बत का, हुजूर की मोहब्बत का, इल्म का, और वो क्या बात रहेगी। इसलिए वो सारे लोग इसके ऊपर इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। तो मुफ्ती साहब ने ये जो किताब लिखी उसके अंदर मैं चंद चीज़ें मैं आपके सामने उनकी ज़बानी पढ़कर बताता हूँ। वो कहते हैं पहली चीज़ जो है वो ये है कि मुहाफिल करने वाले खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के हुसूल की खातिर किया जाए, किसी किस्म की दुनियावी मनाफत को पेश नज़र ना रखा जाए, ज़ाती तशहीर और नामो नमूद की तमाम मुमकिन सूरतों से इज्तनाब किया जाए, इज्तनाब किया जाए। फ़स्तबिकुल खैरात, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद करने वाले रज़ाए इलाही की खातर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, वो रब की रज़ा के लिए और मुस्तफ़ा की मोहब्बत अदम और ताज़ीम के लिए होता है। हाँ, अगर उसकी इंतज़ामी उमूर में अनबैलेंस बात हो जाए तो उसकी इसलाह करनी तो ज़रूरी होती है। यानी इस इसलाह की ज़रूरत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि नूर टी वी पर महफिल नात हो रही थी
और एक वो कराची के नाद खां थे, मैंने उनका नाम भी उस दिन अल्लामा साहब से पूछ लिया था, अल्लामा नसीरुल्लाह साहब से, फिर वो मुझे भूल गया। उनके साथ एक दूसरे नाद खां बैठे हुए थे, अभी शायद वो मुझे याद है, सबा गालबन उनका नाम था। तो वो दोनों नाद खां भी इस बात पर ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि जो मुंतजमीन हैं उनकी इसलाह की बड़ी ज़रूरत है, और इसलाह कौन करे? ज़ाहिर है अहले इलम। और अहले इलम कब करें? जब उसकी ज़रूरत हो, वक्त के मुताबिक, अच्छे अंदाज के साथ, कि ये काम इस तरह से बैलेंस रखना चाहिए। यानी बैलेंस और अनबैलेंस की बात हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद के अंदर कोई हराम चीज़ों का दखूल नहीं हुआ, जो नजायज़ चीज़ों का। यह है कि जहाँ 10 बत्तियाँ लगानी है कोई 100 लगा लेता है, और अगर कहीं 1-3 खाने पकाने हैं तो हो सकता है 10 पका ले। तो इस किस्म की चीज़ से कि उनको बैलेंस में रखा जाए। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला के दीन के लिए, रज़ा के लिए। दूसरा कहा है कि महाफिल की तशहीर, मवाद यानी कार्ड, इश्तहारात, बैनर्स और जो होते हैं वगैरह, महाफिल के मुंतजमीन अपना तذکرہ मुनाजिम अंदाज में सिर्फ ज़रूरी हद तक ही किया करें। यानी उसके अंदर बड़े अपना नाम बड़ा लिख देना इश्तहारों के अंदर, और बड़े कीमती कीमती कार्ड छुपा देना, इन चीज़ों की जो है ना, वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि इनका ख्याल रखा जाए। इंग्लैंड में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन दूसरे ममालिक पाकिस्तान में चूँकि होता है, इसलिए उन्होंने वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक इसका जिक्र किया। अगर कोई किसी महफल में कोई काबिले इसलाह बात देखें, तो इधर उधर तनकीद करने की बजाय इस महफल के मुंतजमीन को अलहदगी में बराए रास्त बता दें, ताकि फितना भी ना फैले और नसीहत और खैर खाही का हक भी अदा हो जाए। ये बहुत बड़ी आम चीज़ है कि जब आप देखते हैं कि कहीं इसलाह की ज़रूरत है, तो उसका एक तरीका है, एक आलम दीन उलमा जो है वो जुमों के अंदर उनका बयान करें, जो कि जनरल हो जाए, और जो महफिल मिलाद करने वाला है पता चले कि वो महफिल मिलाद उसने करनी है। अमूमन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये है मसला कि जो भी महफिल मिलाद करते हैं वो मोहल्ले के इमाम खतीब को बुलाते ज़रूर हैं दुआ के लिए, ख़त्म के लिए। यानी अभी तक कितना बाकी है, तो जब उनको वो दावत दी जाए, तो दावत देने के वक्त उनको बताया जाए, वो आलिम जो हैं, जो खतीब जो हैं, वो उनको बताएं कि एक तो बैलेंस कायम रखें, नात और तकरीर का, इलम का, वक्त का ख्याल रखें, उनको उस वक्त समझाएं। अब वो वक्त समझाने का नहीं है कि उसने घर में 50 मेहमान बुलाए हैं, कुरान पढ़ा गया, तलावत की गई, नात खानी हुई है, खाने का इंतज़ाम किया, वो खुश है कि मैंने अल्लाह रसूल के लिए बात की, और उस वक्त कोई बंदा खड़ा होकर उसको झाड़ दे और उसको हौसला तोड़े, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो अच्छे वक्त के अंदर खैर काही के जज्बे से, अच्छे तरीके से उसको समझा दी जाए। तो ये मुफ्ती साहब की एक वो नसीहत है। उसके बाद कहते हैं, ये जो अगली नसीहत उन्होंने लिखी है, यहाँ हमारे यहाँ बरतानिया में नहीं होती, शायद ये पाकिस्तान में ही है, वहाँ के हालात के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि लोग जब महफिल मिलाद कराते हैं तो उसकी सदारत के लिए कुछ ऐसे लोगों को सदारत दे देते हैं जो उसके अंदर चंदा देते हैं, जिनके अब कुछ मामला अच्छा नहीं होता। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुशायख और उलमाई सदारत करते हैं, तो वो कहते हैं अगर उनकी शोहरत अच्छी ना हो तो उनको स्टेज पर उनको सदारत ना दी जाए। दूसरी कहते हैं कि महफल के आदाब में के सिलसिले में मामूली को कोताही से भी इज्तनाब किया जाए, क्योंकि तमाम अहले मारफत ने तसरी की है कि महफल जिक्र नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वही आदाब थे, लिहाजा दरी सिलसिला दर्जे ज़ैल अकदाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। शुरका बावजू पकीज़ा और बावकार लबास पहन कर महफल में हाजिर हों, सुबहान अल्लाह। यानी महफिल मिलाद में आएँ और बावजू हों तो उसकी बरकत और होंगे। महफिल में सुकून व खुशू और खुजू पर तवज्जो दी जाए, खिलाफ वकार हरकात व सकनात से मुकम्मल परहेज़ किया जाए, बाहम सर गोशियाँ करना, हंसना, मिजाक करना, बातचीत में मशगूर रहना, दोनों हाथ उठाकर झूमना, उठकर पैसे देना, वेलें फेंकना, मेहमानों की आमद पर चीख चीख कर नारेबाजी करना, हाजिरीन से ज़बरदस्ती नारे लगवाना, इन पर तंजिया जुमले कसना, उन्हें झूमने पर मजबूर करना, मेहमानों की आमद पर महफिल के डिसिप्लिन को तय बाला कर देना, ये सब महफल के अदाब के मुनाफी हैं और इनका खात्मा होना चाहिए। अलबत्ता उलमा इकराम नाद खानों को रात रात की माकूल खिदमत की जाए, और महफल में आमद और राफत के लिए उन्हें माकूल ज़्यादा सफ़र भी फराहम किया जाए, ताकि वो यकसूई के साथ अपना फरीजा बतरीके आसन अदा कर सकें। अलबत्ता पेशगी हकुल खिदमत मुतय्यन करने की हौसला शिकनी की जाए। यानी उनका यह है, एक तो यह है कि मैं उनका जो नाद खान आने वाले हैं या उलमा, उनका वो उनकी खिदमत की जाए, क्योंकि वो इसी काम में दिन रात मसरूफ़ रहते हैं और वो काम नहीं करते, लिहाजा उनका दुरुस्त किया जाए, महफिल का आदाब रखा जाए। एक इशारा उन्होंने किया है
कि आने से पहले अगर कोई मुकरर पैसे कर ले कि मैं तो 1,000 पाउंड लूंगा एक महफल का, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, तो ये उनके ख्याल में ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसकी भी उन्होंने वजाहत की है। लेकिन यहां मैं जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने कही है ना कि इसका हौसला शिकनी की जाए, यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जो अहले इलम होते हैं जब वो कहीं ऐसे मुकाम पर हाजिरी के लिए जाते हैं तो वो तो तय वगैरह नहीं करते। ये तय वगैरह मुमकिन है कि ऐसे लोग करते हों जो लोगों को मज़ा बहुत देते हों। ये जुमला मैंने इसलिए कहा है कि पुराने ज़माने की बात है, मुझे किसी ने ये बात बताई कि हमारे अहले सुन्नत के एक अजीम मुहद्दिस आलम गुजरे हैं, हज़रत अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़माने की ये बात है कि बंदे ने मुझे बताया कि ये उनका वाकया अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ तक दुरुस्त है। वो कहने लगे कि लोग उनको या उस वक़्त के जो उलमा थे उनको बुलाते, तो कई मसलन वो बड़ा बड़ा लंबा सफ़र करके जाते, तो जब वो लंबा सफ़र करके जाते हो तो देहाती भी उनको बुलाते, तो जो आलम दीन होता उनको बुलाने वाला वो तो सोच लेता कि इनका इतना खर्चा हुआ है, इतना किराया है, तो इनकी कुछ खिदमत करनी चाहिए। तो कई जो देहाती होते हैं वो बुला लेते हैं और वो उस तरह से उनके जितना खर्चा उनका किराए का होता था आने जाने के, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं थी, और उससे भी वो काम उनको किराया पल्ले से पड़ जाता। तो जब वो अल्लामा हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उस वक़्त के उलमा थे, फिर वो बंदा देख लेते उसको, कहते कि ये तो इतना खर्चा आएगा मेरा वहाँ पर जाने का, और कहता अच्छा। एक बार वो कहीं किसी जलसे पर गया हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका तकरीबन उस ज़माने में 40 को करीब को खर्चा आया, पंजाब से सिंध के इलाके में कहीं गए, तो वहाँ जब वो गए तो इतना 40 रुपये खर्चा और 2 दिन आना और जाना ट्रेनों का उस ज़माने का सफ़र, तो उन्होंने उनको 10 रुपये दिए। अब वो 30 रुपये तो किराए के उनको पल्ले पड़ गए और 3 दिन जाना आना वो अलग रहा। अब हर जगह ऐसे जाए तो वो पूरे कैसे हों? तो वो जहाँ वहाँ के जो इमाम थे उनको उन्होंने कहा, हज़रवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि ये क्या है, ये तो वो आप कराया तो आपको देना चाहिए। तो वो कहने लगा जी बस लोग कुछ इसी तरह महसूस करते हैं तो वो कहते हैं कि बस इतनी ठीक है। तो हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फिर मुझे इतनी दूर से तो अगर किराया भी नहीं दे सकते तो आपने बुलाया क्यों? वो मिराजुन्नबी का जलसा था। वो कहने लगा जी कि बस आपको बुलाया है कि मिराज की बातें सुनने, मिराजुन्नबी की बातें सुनने के लिए। तो हज़ारवी साहब उसको कहते हैं क्या तुम्हें मिराज की बातें नहीं आती, मिराज की हदीस तुम्हें नहीं आती? वो कहता जी आती तो हैं। तो वो कहने लगे फिर मुझे क्यों बुलाया? कहने लगा वो आप मज़ा बहुत देते हैं। तो वो कहने लगे वो जो किराए के पैसे हैं वो मज़े के ही तो हैं, इसलिए जो लोग ज़्यादा टिकटें देते हैं, रिटर्न टिकटें देते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकटें देते हैं, ये मज़े वाले लोग होते हैं। और जहाँ तक अहले इलम की बात है, वो अहले इलम का तो ये होता है कि उनके वो अखराजात और उनकी जायज़ तरीके से उनकी खिदमत करना, ये एक सुन्नत तरीका भी है और जायज़ भी है, और यही मुफ्ती साहब ने इशारा किया है। तो तायुन वाली बात अहले इलम में नहीं होती, हाँ वो मज़े में होती है। तो वो मजे के पैसे होते हैं जो इस तरह से तय्यन के होते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी जो कुताहियां हैं वो हमें माफ फरमाए। दूसरा कहते हैं महफिल के बेहतरीन मनसूबा बंदी की जाए ताकि दौरान महफिल इंतजामी मसाइल पैदा ना हो, महफिल का डिसिप्लिन कायम रहे, मुंतजबीन भी महफिल से लुत्फानंदोज सकें। और उसके बाद आगे कई उन्होंने लिखी हैं, महाफिल की सादगी फरोग दिया जाए, इसराफ मुमकिन हद तक बचा जाए, मियाना रवि का रास्ता इख्तियार किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवि को बेहतरीन रास्ता करार दिया, लिहाजा महाफिल पर खर्च करने वाले वसाइल पर नज़रसानी की जाए ताकि मुसारिफ महाफिल को दीनी एतबार से ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा खेज बनाया जा सके। महाफिल में रोशनियों, कुमकुमों, सजावटों के हवाले से मुतदिल और मुतवाजन रास्ता इख्तियार किया जाए। महाफिल के दावती कार्ड पर इसराफ के बजाय इसे कदरे सादा बनाया जाए और बचाई गई रकम से मुफीद दीनी लिटरेचर तैयार किया जाए, और जो दावती कार्ड हमरा तकसीम किए जाएँ, निज इश्तहारात और कार्ड पर आयात रोज़ा अक्दस और इमामा शरीफ वगैरह की तस्वीर तबाह न की जाएँ। तो उन्होंने, मुफ्ती साहब ने बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि जो टीवी पर ये सारी बैठकर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये लोकली बातें होती हैं। तो ये मैंने इसलिए किया है कि चूँकि मैंने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके सबूत पर और उस पर होने वाले इतराज़ात का अल्लाह की रहमत से रद्द किया है, तो इसलिए ये भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इसके ऊपर भी मैं ये आपके सामने बयान करूँ। अब जहाँ तक अहले इलम का ताल्लुक है, उनके बारे में ये बात है कि अहले इलम जब बयान फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की हमद, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा,
सिहाबा ताबीन और रवाफिज और खवारिज का रद्द सबूत और इतराजात के जवाबात वो सारी गुफ्तगुएं जो हैं वो करते हैं यहाँ इंग्लैंड के अंदर। अब तो पाकिस्तान में भी शायद इसकी ज़रूरत पड़ गई है। वो ये है कि पुराने ज़माने में जब वो तकरीर होती थी तो तकरीर के अंदर लोग इतराजात से आगाह होते थे, वाकिफ होते थे कि ये इतराज़ है और इस इतराज़ का कोई आलिम जो है वो जवाब दे रहा है। अब मसला ये है कि अब जो दीन से जो है कितनी दूरी है लोगों की, हम इस बात को जानते हैं, कितनी दूरी दीन से हो गई है, कितनी मसाइल से दूरी हो गई है। इसलिए आम आवाम और ख़ास करके नौजवान नस्ल वो उन इतराजात से वाकिफ नहीं होती जिनके कोई बंदा जवाब देने लगता है। तो मेरा मशवरा ये है कि एक पहले इतराज़ को महफल के माहौल को देखकर इस तरह से नकल किया जाए कि ये इतराज़ बनता है या कोई कहने वाला कहता है या किसी ने पूछा था, उसका कोई एक अंदाज़ इख्तियार करके उसको फिर उसका जवाब दिया जाए। ये जो हमारे मुकर्ररीन और वाइज़ीन है ना, अल्लाह ताला ने बला का हाफ़िज़ा इनको दिया है और बात करने का मलका अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया है और हुस्ने सौत अता फरमाई है। उनको पता होता है कि लोगों के साथ बात किस तरह से करनी है और लोगों के साथ बात करते हैं। लेकिन सिर्फ जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इतराजात जो होते हैं वो इतराज़ को बयान किया जाए फिर उसका जवाब दिया जाए, और जिस कदर वजनी इतराज़ हो उसी वजनी एतबार से जो है ना उसका जवाब दिया जाए। अब आम लोग हों तो वो आम तरीके से तैयारी करके किसी महफल में बयान करें। हाँ, कम लोग होते हैं कि जब वो जाएं तो उन पर नुज़ूल हो जाता है और उन्होंने उनका वसई मुतालिया होता है। आम मुझ जैसे लोगों को अगर कोई बुलाए महफिल मिलाद के अंदर तो पहले सोचना चाहिए कि मैंने क्या बयान करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। अब मैं थोड़ी सी आपको वो भी बता दूं, बाकी मुफ्ती साहब की बातें मैं फिर बताता हूं ताकि वो बात कहीं रह ना जाए। मैंने पिछले प्रोग्राम में हाफिज़ इब्ने रज्जब की इस किताब पर जोर दिया आपके, लताइफुल मारिफ। यानी ये मेरा मकसद नहीं है कि सिर्फ लताइफुल मारिफ ही है, लेकिन चूंकि एक मुहद्दिस की किताब लिखी हुई है इसके अंदर 12, इस किताब को मैंने खुद नाम दिया है 12 तकरीरें। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा उठे जो इस किताब का तर्जमा करे और इसकी तशरीह करे, जो आमी लोग हैं, आम लोग बयान करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये नेमत होगी अगर ये किताब उर्दू में आ जाए। मैंने इसके हवाला जात पिछले प्रोग्रामों में दे दिए। तो ये लताइफुल मारिफ एक बड़ी अच्छी किताब है जिसके अंदर तमाम मौजूआत पर कलाम है। यानी ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए, अहले इल्म के लिए नहीं कर रहा, जो मुफ्तियान हैं उनके लिए नहीं कर रहा, जो अहले इल्म हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो मुबतदी हैं, इब्तदा है, और उनको बयान करने का ज़ौक है, उनको बयान करने का शौक़ है। जिस तरह नात पढ़ने का शौक़ है, उनके अंदर अगर इल्म की तड़प पैदा हो जाए तो इब्तदाई तौर पर उनके लिए ये तो खैर बहुत बड़ी किताब है लताइफुल मारिफ, तो उनके लिए इसके अंदर बड़ा सरमाया है। अब दूसरी किताब, चूंकि ये खिदमत भी है एक, इसलिए मैं इसका तज़करा ज़रूरी समझता हूँ। ये किताब है, इसका नाम है रसाले मिलाद मुस्तफ़ा। ये इसको जमा किया है, इन तमाम रसाइल को तरतीब इसको दिया है मौलाना मोहम्मद अब्दुल आहद कादरी। मैं इनसे वाकिफ नहीं हूँ लेकिन उन्होंने बड़ा इल्मी काम किया है और मारकतुल आरा काम किया है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल आहद कादरी इनका नाम है। ये कोई बुज़ुर्ग शख्सियत हैं या नौजवान हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत फरमाए। इल्मी काम किया है मिलाद पढ़ने वालों के लिए। ये होता है ना, मिलाद पढ़ने वाले मिलाद खां हैं, हुजूर के मिलादी हैं। तो इन्होंने रिसाले मिलाद मुस्तफ़ा के नाम से ये किताब दी है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो बुज़ुर्ग हैं अहले अरब, उन्होंने जितनी मिलाद के ऊपर किताबें लिखी हैं और मुहद्दिसीन हैं, उनका तर्जमा उर्दू के अंदर कर दिया है और बड़ा इल्मी एक काम है। तो मिलाद, मैं गैर अहले इल्म की बात कर रहा हूँ, उलमा की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उनका वो तो जानते हैं सारा कुछ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आलुओं का प्रोग्राम हो ना तो वो जो टेलीफोन करते हैं हमने नात पढ़नी है, उनके अंदर अल्लाह करे इल्म का ज़ौक भी नात के साथ पैदा हो। और ऐसे लोगों के लिए ये इब्तदाई किताबें जो हैं वो बड़ी कार आमद हैं। तो इसके अंदर उन्होंने अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद इब्ने हजर मक्की
कि मिलाद के ऊपर एक किताब है मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका उर्दू तर्जमा कर दिया। सुभान अल्लाह, पहले तो अहले इल्म जानते थे, अब ये आम हो गई है। और उसके बाद अल्लामा सईद अहमद बिन अब्दुल गनी बिन उमर आबिदीन दमिश्की, उनकी किताब है मिलाद के अंदर, उसका उर्दू तर्जमा उन्होंने कर दिया है। फिर सैयद जाफर हुसैन, सैयद जाफर बिन अब्दुल करीम हुसैनी बरजंजी मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर मिलाद नामा है उनका, उसका तर्जमा कर दिया है। और हाफिज जलालुद्दीन सुयूती की किताब हसनुल मकसद, हमारे असातिज़ा अरबी में पढ़ा करते थे उस वक्त, उनके हवाले हमारे लिए होते थे कि ये सबसे बड़ा हवाला है। अब वो बाद में पता चला कि बड़ा हवाला है, लेकिन हवाले इससे बड़े भी हैं और लोगों को इससे बड़े हवालों की भी ज़रूरत होती है। तो ये अल्लामा सुयूती की किताब, उसका उन्होंने कर दिया। और मौलिदुल उरूस इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, जिसके मैं हवाले दे आया हूँ पीछे, और हाफिज इब्ने कसीर की किताब मिलादुन नबी के ऊपर, और मुल्ला अली कारी की अल मौरिदुर रवी, ये किताब है, और इकामतुल क़यामा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला की किताब है, ईद मिलादुन नबी अल्लामा नूर बख्श तवक्री रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और खैरुल मौरूद फ़ी इहतिफालुल मौलद मौलद मौरद फ़ी इहतिफालुल मौलद, मेरे शेख हैं यानी मेरे सिलसिला नक्शबंदिया के शेख अल्लामा अबुल हसन जैद फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े इल्मी शख्सियत गुजरे हैं, उनकी वो किताब है, और मौलाना अब्दुल अहद कादरी साहब का अपना मिलाद मुस्तफ़ा का। तो ये किताब है कादरी रजवी कुतुब खाना लाहौर से छपी है, और तमाम बुज़ुर्गों के जो मिलाद के इसके अंदर बुज़ुर्गों ने अरबी में ज़बान किताबें में लिखी, इनको पढ़ें और इनसे बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल भी हैं और मुहद्दिसाना अतबार से, और अगर इसने इसके ऊपर किसी ने ज़्यादा पढ़ना हो तो फिर वो हाफिज इब्ने रजब की किताब है, इब्ने तैमिया के, इब्ने कसीर के, वो आगे दूसरे हवाला जात मैंने बता दिया आपको, ये दूसरी किताब है। उसके अलावा एक किताब ये है, इसका नाम है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला की किताब है, उम्बा फाउंडेशन के ने ये जामिया मस्जिद अक्स गुम्बद खजरा नहर पुल पार माल रोड लाहौर से छपी है, और प्रोफेसर सैयद अब्दुर्रहमान बुखारी साहब को हैं, मैं ज़ाती तौर पर इनको नहीं जानता, मगर उन्होंने काम किया है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने जो दलाइल दिए हैं मिलाद के ऊपर उनको जमा कर दिया है। कहने का मेरा मकसद यह है कि ये पिछले दो प्रोग्रामों में जो जो कह रहा हूँ उसके अंदर मवाद मौजूद है, अरबी में है, उर्दू में है, फारसी में है, तो उसके तैयारी करें, नए वे से नए उसलूब से मुलाद को बयान करें। और वह अम्मा भी नेमत रब्बे का फहादिस, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, उसका चर्चा करें और धूम मचा दें खालिक के कलाम से, सहाबा के कलाम से, कलाम मुस्तफ़ा से, हर इतबार से, और एक कैफियत पैदा हो जाए। सुबह अल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, उसके अंदर दूसरी ये किताब है रिसाले मिलादुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई एक दूसरे आलम दीन है, इनका नाम है सलाहुद्दीन सईदी साहब, इनको भी मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, सलाहुद्दीन सईदी साहब डायरेक्टर हैं तारीख़ इस्लाम फाउंडेशन लाहौर के, और इसका मुकदमा लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद अकबर रज़ा साहब ने, और मकतबा हनफिया गंज बख्श रोड लाहौर ने इसको शाया किया है। तो ये भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अहले इलम के जो मकाला हैं, दूसरा क्या उसका नाम लेते हैं, मजामीन हैं, उनका बयान हुआ है। और इत्तेफाक ये है कि मैंने जितने मिलाद के ऊपर प्रोग्राम किए हैं मैं इन किताबों से कोई आपके सामने पेश नहीं कर सका, उसका सबब यह था कि मैंने एक वो ये था कि उस पर वारद होने वाले इतराज़ात के बारे में मैंने अर्ज़ करना था, और दूसरा ये है कि महफिल मिलाद से जो इस्तदलाल हैं उनके सबूत हवाला जात हैं मैंने वो ज़्यादा बयान नहीं किए, मैंने सिर्फ ये बयान किया है कि अहले इलम की इसके ऊपर राय क्या है, और ऐसे अहले इलम के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं जिनको बिदती और मुशरिक कहने में ज़रा किसी को वक़्त लगे, एक मिनट के अंदर उनको ना कह दे। तो ये सलाहुद्दीन सईदी साहब जो हैं इन्होंने भी बहुत अच्छे मजामीन किए हैं, इसका मुकदमा भी प्रोफेसर मोहम्मद अकरम अकरम रज़ा साहब ने लिखा, और वो इसका शाह अहमद सईद मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह कोई बुज़ुर्ग हैं, उनका मिलाद के ऊपर ये रिसाला है, ख्वाजा मोहम्मद अकबर वारसी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हदायत रसूल कादरी, मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फैज़ मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी फैसलाबाद,
और प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी, प्रोफेसर सैयद शबीर जायद ननका, मोहम्मद अशरफुल कादरी गुजरात, मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी, मौलाना नसीरुद्दीन चिश्ती, अलामा सईद अरशद काजमी, मलक महबूब रसूल कादरी, अलामा गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दी। तो ये उनके उन अहले इल्म के ये मजामीन हैं जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हैं, जो मिलाद पर बयान करने वाले हैं उनके लिए बड़ा मवाद मौजूद है। जिस तरह से नातों की बड़ी किताबें हैं, नातों के लिए बड़ी ट्यून है, इसी तरह मिलाद बयान करने वालों के लिए बड़ा इलम का जखीरा मौजूद है। वो पढ़ें, छोटी महफलों में बड़ी में बयान करें और मुख्तलिफ असलूब से बयान करें, और जो मुंतजमीन महफल हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो इस बैलेंस को कायम रखें। और तो और रहेगी, मैं यहाँ ना जाबी के हवाले दे सकता हूँ आपको, ना बुखारी के दे सकता हूँ, ना मैं इब्ने कसीर के दे सकता हूँ, ना इब्ने रजब के दे सकता हूँ, बल्कि सबसे बड़ा हवाला मैंने वो दो नात खानों का दिया कि उन्होंने खुद नूर टीवी पर बैठकर ये कहा कि बात यह है कि जो मुंतजमीन हैं उनको इंतज़ाम के एतबार से बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए और उनकी इसलाह की बड़ी ज़रूरत है। बच्चियों का टीवी नूर टीवी पर प्रोग्राम होता है तो वो कहती हैं जब नात खानी होती है बच्चियों के यहाँ तो कहीं बड़ी बदनज़मी हो जाती है कहीं पर, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का एहतमाम कर ख्याल रखना चाहिए। तो ये मिलाद के ऊपर किताबें मैंने आपको बताई। अब एक किताब और है मिलाद के ऊपर, इस किताब का नाम है बुलूगुल मालूम मालूल फिल इख्तलाफ़ वल इहतिफ़ाल बिमौलिदिर रसूल, और ये किताब असल में अरबी में है। ये डॉक्टर ईसा बिन अब्दुल्ला मानी अल हिमयरी दुबई के बड़े मुहद्दिस आलिम हैं, इनके कभी कभी मैं आपको हवाले देता रहता हूँ, इनकी बड़ी किताबें हैं माशाल्लाह, बड़ा इल्मी काम करते हैं। और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक जो किताब है जो अभी चंद साल पहले दरियाफत हुई थी और उसको अरबी में छापा था, उसके ऊपर इनका शेख नाफ़े हिमयरी का बड़ा काम है। तो बड़े आलिम हैं ये, इनकी ये किताब है मिलादुन नबी के दलाइल, तो इसका तर्जमा किया है मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्बास रज़वी मद्दज़िल्लाहुल आली ने, ये मकतबतुल मदीना अल मुनव्वरा हाफिज़ाबाद से छपी है। तो ये बड़ी अच्छी पढ़ने वाली इल्मी किताब है, और इससे एक आधा हवाला गालिबन शायद मैंने भी कहीं दिया था अपने प्रोग्राम में, मुझे याद नहीं पड़ता। तो ये और इसका जो है ना, इस पर काम किया है हमारे एक अज़ीज़ दोस्त हैं, फाजिल दोस्त हैं, उनका नाम मैं ज़रूर लेता हूँ, अल्लामा कारी मोहम्मद अरशद मसूद साहब, उनकी भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी कुछ काम किया है, क्योंकि वो मैं उनसे मशवरे भी करता रहता हूँ और बाज़ कामों पर वो काम भी करते हैं माशाल्लाह, बड़े मनाजिर आलिम हैं, उनके भी मनाजरे हैं, तो उन्होंने भी इस किताब के ऊपर काम किया है। तो ये सारी किताबें जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं, इनको पढ़ कर इन किसे इल्मी मालूमात हासिल करके मिलाद के अंदर इल्मी कलाम, इलम का जो कल्चर है, इलम का जो बाब है, उसको भी ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो देर पा है, वो लंबे अरसे तक है, वो खुद को सेटिस्फाई करता है, वो खुद को इत्मीनान देता है, घर वालों को इत्मीनान देता है, वो आपके दोस्तों को इत्मीनान की देता है, महफल में एहतमाम देता है। क्यों? इसलिए कि नात से ज़ौक मिलता है, कैफियत बनती है, सुरूर आता है, मगर उसके अंदर दवाम नहीं होता, उससे आप दलील नहीं दे सकते, और दलील तो सिर्फ कुरान और हदीस ही होती है। सुरूर और मज़ा नात खानों से लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ें उनको दी होती हैं, बड़े खूब तरीके से पढ़ते हैं। लुत्फ लें, सुरूर लें, मज़ा लें, कैफियत को बदलें, लेकिन जो जहनी कल्बी इल्मी कैफियत और दवामी और उसके ऊपर इस्तेकामत जो है वो इनसे नहीं मिलता, वो अहले इलम से मिलता है, वो कुरान से मिलता है, वो हदीस से मिलता है, वो तफसीर से मिलता है, वो अहले सैयर से मिलता है, और वो मुहद्दिसीन के काम से मिलता है। और आजकल तो ज़माना भी यही है कि ज़रा वो काम करें कि बात करें तो उसी वक्त उसका हवाला पूछ लिया जाता है। मेरा बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई बात करूँ इजाला शुबहात के अंदर और मैं उसका रेफरेंस ना दूँ, लेकिन शायद कभी कभी एक आध बार ऐसा हो गया कि मैंने वो हवाले शुरू कर दिया और हवाला वो मैंने छोड़ दिया। कोई बात थी किरातुल कुबूर के बारे में, किसी बुज़ुर्ग का मैंने हवाला दिया कि वो उनकी कब्र के ऊपर इतने कुरान पढ़े गए, तो बाद में मैंने उनका नाम, मुझे मैंने अब दोबारा वो प्रोग्राम तो नहीं देखा, मुझे तकरीबन 8-10 टेलीफोन आ गए
मुख्तलिफ जगहों से कि आपने वो फलां बंदे का नाम लिया और उस किताब का नाम नहीं बताया कि वो किसकी कब्र पर कुरान पढ़े गए थे, वो कौन बुजुर्ग थे और किसने जिक्र किया था। मुझे मालूम नहीं कि वो हवाला किस तरह से रह गया। फिर मैंने उनको बता दिया कि वो मंसूर बिन जैदान थे और बुजुर्ग थे। इमाम बुखारी ने तारीख सगीर में उनका जिक्र किया, इब्नुल जौजी ने किया, तज़किरतुल अल्फाज में अल्लामा ज़ाहबी ने जिक्र किया, तो वो मैंने उनको बता दिए। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि इस वक्त इलम का जमाना है और इल्म आसान है, नेट पर है, मीडिया पर है, लोग सवाल करते हैं, लिहाजा पक्के दलाइल जो हैं वो बयान करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के पास कुरान भी है, हदीस भी है, दलाइल भी हैं। तो जब वो सही असनाद वाली अहदीस के दलाइल हैं, कुरान की आयात के दलाइल हैं, तो फिर वो कच्ची बातें जो होती हैं उनको बयान करने की तो सिरे से ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये अल्लामा शेख नाफ़ी हिमियरी जो हैं, इन्होंने माशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा काम किया है। अब महफिल मिलाद के जो तरीके हैं उनके में से एक दो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि मस्जिद के अंदर जब महफिल मिलाद की जाए तो वहाँ जो मस्जिद के जो खतीब हैं, वो जो कमेटी होती है या जो इंतज़ामिया होती हैं, उनको उस मस्जिद के खतीब के साथ पूरा शेयर करना चाहिए कि हमने किस तरह से प्रोग्राम करना है, और उसको तरतीब जो है वो उनके मशवरे से उसको दिया जाए। और जो खतीब साहब हैं, मस्जिद के इमाम हैं, उनका भी अपने मुक्तदियों के साथ इतना अच्छा कंटेक्ट होना चाहिए कि वो उनके पूछे बगैर कोई एहतमाम ना करें, ताकि बैलेंस जो है ना वो कायम रह जाए। मिलाद जो है इसकी बड़ी ज़रूरत है, लोगों के अंदर मोहब्बत है मिलाद की, और इस मिलाद के नाम पर लोग जमा हो जाते हैं, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। लेकिन ये मिलाद का नाम कती मिटा दें कि सिर्फ नात खानी करनी है और बस खानों पे खाने होने हैं, ये मिलाद का बिल्कुल मतलब मिटा दें। खाना होना चाहिए, नात होनी चाहिए, लेकिन साथ ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा कुरान और सुन्नत से होना चाहिए। उलमा को बुलाना चाहिए, बच्चियों की महफिल हो तो सिर्फ नाते ही ना पढ़ें। एक बयान करने वाली बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ हमारे साथ पाकिस्तान में तो बहुत हैं, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत हैं, न्यू टी वी पर आती हैं, और उनको भी जो है ना तैयारी कर लेनी चाहिए जाने से पहले कि एक पैगाम देना है, एक मैसेज देना है, कि मैसेज क्या देना है, पैगाम क्या देना है, पहले वो खुद सेटिस्फाई हो कि हाँ ये बात बनती है, फिर वो अगलों तक उसका मैसेज पूछाएं। जब बंदा खुद सेटिस्फाई होता है, खुद उसके ऊपर होता है, मुतमैन होता है, तो जब वो बात करता है ना, तो फिर उसके बात करने का अंदाज कुछ और होता है। और बच्चे यूनिवर्सिटियों के हों, कॉलेजेस के हों, उनको ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ जो है वो बताया जाए। दरसे कुरान शरीफ जो है ये बहुत जरूरी है। इस वक्त कुरान का नाम लेकर लोगों को लूटा जा रहा है, और वो गलतियां क्या होती हैं इसकी निशानदेही मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी की है। तो जब तौहीद और रद्द शिर्क पर मैं बिदत के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह शुरू करूंगा, तो उस वक्त मैं इस पर जो है ना वो मज़ीद बयान करूंगा इसके ऊपर जो है। बच्चों के लिए महफिल मिलाद बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और उनके उम्र के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक, उनकी फहम के मुताबिक तलावत भी हो, नात भी हो, और बयान ज़्यादा हो। वो बचपन से उनके अंदर एक पुख्तगी आ जाए, एक इत्मीनान आ जाए, और उनको उनके दलाइल की कुछ समझ आ जाए। लेकिन अब यह है कि वहाँ पर उनको ये तो नहीं उसी वक्त बताया जाएगा कि इसके दलाइल क्या हैं और उनको जवाब क्या देना है। पहले तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में, आपके अफ़ाल के बारे में, आपके मोजज़ात के बारे में, और आपकी तालीम के बारे में बयान किया जाए। और ऐसे बच्चों के प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के होने चाहिए अलग। मुझे मालूम नहीं कितनी महफिल मिलाद करने वाले इन चीज़ों को सोचते हैं। क्रिकेट की टीम होती है तो वो अगली नस्ल के लिए कहते हैं हमने क्रिकेट की टीम तैयार करना है, तो वो बच्चों को तैयार करते हैं। तो अगली नस्ल जो है उसने महफिल मिलाद भी करनी है, उनको समझाना है, उनको बताना है। और जो आम जलसा
होता है उसमें बच्चे अगर आते हैं तो एक आलिम जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो उसकी बड़ी इल्मी बड़ों के लिए गुफ्तगू होती है और वो उनके लिए गुफ्तगू होती है जो उन सारे मसाइल को जानते होते हैं, और वो बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो इल्म नहीं होता, वो उस सतह की गुफ्तगू को समझ नहीं पाते। इसलिए बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए। वो बच्चा है कि छोटा सा बच्चा किसी महफिल में गया तो वापस आकर उसने माँ ने पूछा क्या सीखा, वो कहने लगा मिठे सलूने चावल। यानी उसको बेचारे को सिर्फ वही, ये नहीं कि वहाँ कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसको उसके ज़हन के मुताबिक उसकी उम्र के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से हमें मिलाद करने की तौफीक दे, और इस महाफले मिलाद जो हैं ये मुअस्सर हो सकती हैं, ये तबलीग का बहुत बड़ा ज़रिया है, ये कुर्बे खुदाबंदी का ज़रिया है, ये अल्लाह ताला के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए है। और जब हम ये तैयार महफले मिलाद करते हैं तो यकीनन ये अल्लाह ताला की कुर्ब का सबब बनता है, और ये हुजूर के अदब और ताज़ीम में महफिल मुनक्कद होती हैं। यही बात हाफिज़ इब्ने तैमिया ने इक्तिज़ाउ सिरातुल मुस्तकीम में कही है कि जब बंदा महफिल मिलाद हुजूर के अदब और ताज़ीम में करता है उसे अल्लाह सवाब भी देता है और अजर के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तो ये खुदा के कुर्ब का वसीला ज़रिया और सबब है, और इससे सुनने से वो एक कैफियत पैदा होती है, हुजूर की ज़ात की कैफियत पैदा होती है। इमाम अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह की बात मैंने सुनाई, उनकी एक बात और मुझे याद आ गई। उनकी एक वाज बुजुर्ग बताते हैं कि वो वाज फरमाया करते थे सूरते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सूरते मुस्तफ़ा और सीरते मुस्तफ़ा। अब सीरते मुस्तफ़ा के ऊपर बड़ी किताबें हैं, बड़ा लोगों ने काम किया, अल्लामा नूर बख्श तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह की है, काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शिफा है, और हमारे एक बहुत बड़े फाजिल अहले सुन्नत के अजीम मुहक्किक़ आलिम खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे हैं, अब बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं। उनके साहबजादा साहब हैं अल्लामा कौकब नूरानी साहब, उन्होंने भी बड़ा काम किया। तो मौलाना उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह किताब है, उसका नाम है ज़िक्र जमील। वो ज़िक्र जमील दर हकीकत सूरत मुस्तफ़ा है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से लेकर आपके कदमों मुबारकों तक आपके एक एक इज़ा उसके मोजज़ात का उस किताब के अंदर जिक्र है। इस मौजू की और भी बड़ी किताबें हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि रोज़ एक ही बात नहीं, वो रवायती बातें नहीं, मुतालिया करें, मुस्तफ़ा की सूरत का बयान करें। उलमा ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और बड़ा मवाद मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला ने हुजूर की सूरत को बयान किया, हुजूर की सीरत को बयान किया, वो नज़म में भी होनी चाहिए, नसर में भी होनी चाहिए। ये दो प्रोग्राम जो है मैंने अपने दोस्तों से बात की है कि मिलाद पहले प्रोग्राम में था बिदत नहीं है, और दूसरे प्रोग्राम में यह था कि इसके अंदर की बैलेंस जो है वो रखा जाए। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।